मैं हूं नदीम खान। इस टाइम मैं वन ड्रीम टीवी की तरफ से आपको एक खूबसूरत जगह दिखाना चाह रहा हूं। इस टाइम हम नंतर झील में हैं, जो गिलगित से 75 किलोमीटर के फासले पे है, और ये बहुत खूबसूरत झील है। अगर आपका कभी विजिट हो तो यहाँ पे आएँ और ये खूबसूरत नज़ारे। ये सतरंगी झील है जो पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झील है, और ये बहुत कम लोगों ने देखा होगा ये झील। अगर आपने रियल लाइफ को एंजॉय करना है तो आप इस खूबसूरत झील को झील पे आएँ और इस झील की खूबसूरती देखें, और आप हैरान रह जाएंगे। कुदरत ने जो है ना यहाँ पे जन्नत बनाया हुआ है, जन्नत से ये कम नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ तक आने के लिए आपको जीप लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रैक ज़रा मुश्किल से है और जीप के बगैर आप नहीं आ सकते। तो काइंडली आप जब भी आएँ तो जीप ले कर आयर करें, और जीप ले कर आएँ। ये पहले नंबर पे झील आती है सतरंगी, इसके बाद जो बैक वाली झील है वो है परी झील। परी झील जो है उसके बैक पे होता है, और ये सतरंगी झील है। इसकी इस झील की खसूसियत ये है कि ये सूरज के साथ साथ जो है ना ये रंग चेंज करता रहता है, इसको बोलते हैं सतरंगी झील। तो ये खूबसूरत झील को आप ना मिस करें, और जब भी आप आए इंशाल्लाह इसको देखें और इन्जॉय करें। आपको अपने एक प्यारे टूरिस्ट भाई इस्लामाबाद से जो आए हुए हैं उनसे आपका तारुफ भी करवाएगा वह, और आपको इस खूबसूरत झील के बारे में बताएगा कि वो कैसे यहाँ आया अपने दोस्तों के साथ। तो आए हम आपको अभी उससे बात करवाते हैं। सुहेल साहब, आपको यहाँ आते हुए कैसा लगा और कैसे फील कर रहे हैं इस झील को आप? मेरा नाम सुहेल है, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, और मुझे यहाँ पे झील तक पहुँचते हुए बड़ा टाइम लगा है। तकरीबन इसमें समझ लें कि 2.5 दिन का टाइम है, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं। बड़ी मुश्किल से जीप ट्रैक था और यहाँ पे आए हैं इस झील पे पहुँचने के लिए। तो बड़ी खुशी हुई है, बड़ी इन्जॉयमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि झील जो है ना ये 7 कलर चेंज करती है, और ये अपने कलर की वजह से मशहूर है। तो जैसा कि ये कि यहाँ पे इन्जॉयमेंट बहुत अच्छी है, वेदर बहुत प्यारा है, और यहाँ पे फ़िशिंग के लिए माशाल्लाह मछली बहुत ज़्यादा है, और आपको यहाँ पे ट्राउट मछली मिलेगी। तो एक मेरे दोस्त ने यहाँ पे मछली पकड़ी भी है। तो उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँ, और मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आई मिस यू माई फैमिली, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। वन ड्रीम टीवी को मैं चाहता हूँ कि आप भी सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे इंटरव्यू देते हुए नदीम खान साहब को। तो अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू। वालेकुम, मैं नदीम खान फिर दोबारा आपके लिए खूबसूरत व्यू लेके आया हूँ। और ये भी नंतर वैली की तीसरी झील है जो बहुत खूबसूरत रंग बदलने वाली 7 झीलों के इसको मिल आए हुए हैं, और अब आपको बता रहे कि इतनी खूबसूरत झील है कि आप इसको देखेंगे और इंजॉय करेंगे। और हम आपको बता चुके हैं कि इससे पहले आपको सतरंगी झील बताया है, और फिर ये देखें ये खूबसूरत झीलें जो आपस में मिल चुकी हैं, और ये पाकिस्तान की मोस्टली खूबसूरत तरीन झीलों में से एक झीलें हैं जो लोगों बहुत कम लोगों ने पाकिस्तान में देखे हैं। मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि यहां आएँ और इन्जॉय करें, फैमिली के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ। सिर्फ 2.5-3 घंटे की ट्रैक है ये, तो आप आएँ और इन्जॉय करें, ये कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर। और इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर बाद इधर तो टूरिस्ट आए हुए हैं इस्लामाबाद से, उनसे आपकी बात करवाएंगे, जो बहुत प्यारे प्यारे भाई हैं। आए हम आपसे उनकी बात करवाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, अमेजिंग वाकई। जब आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना खूबसूरत है माशाल्लाह पाकिस्तान। नलतर वैली है, दरिया हैं, लेक्स हैं, अभी हमने ट्राउट फिश पकड़ी है, और माशाल्लाह लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं रिकमेंड करूँगा आप जितने भी दोस्त हैं भाई हैं सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, इन हसीन वादियों को एक्सप्लोर करें। लव यू पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। एंड ड्रीम टीवी, बहुत शुक्रिया।